देश की राजधानी में तेजी से बढ़ता प्रदूषण बड़ी चिंता का सबब बन चुका है। जहां प्रदूषण को रोकने की कोशिशें तेज हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार के उपायों पर सियासत भी गर्म है। ट्रैफिक के ऑड इवन फार्मूले ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उतना ही इस पर विवाद भी बढ़ा। कोर्ट से लेकर एनजीटी तक सभी संस्थाएं प्रदूषण पर सख्त हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कैसे थमेगा प्रदूषण का यह कहर। तो दिल्ली में जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ रहा है। सवाल केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर है। वहीं सवाल यह भी है कि कहीं प्रदूषण की आड़ में केजरीवाल सरकार दिल्ली के दूसरे बड़े मसलों से जनता का ध्यान भटका तो नहीं रही। कम से कम विपक्ष का तो यही आरोप है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक दिन इवन और एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलाने की योजना बनाई है, जो बाकायदा 1 जनवरी से लागू भी हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर मानो पूरी दिल्ली में बहस छिड़ी है। हर कोई इस ऑड और इवन योजना से निपटने का फॉर्मूला तलाश रहा है। ऐसे में लगता है कि जैसे दिल्ली को इस योजना में उलझा कर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जन लोकपाल और सैलरी हाइक जैसे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया है। जिस दिन ये ऑड इवन की स्कीम अनाउंस की गई, वो इसलिए की गई ताकि लोगों का ध्यान जन लोकपाल के सवाल से हट जाए। जन लोकपाल का सवाल वो था जिस पे पूरे देश में आंदोलन हुआ, एक वायदा किया गया, जिस पे पार्टी की सरकार बनी, सरकार छोड़ी और उस पे यू टर्न ले रही थी, उस पे जो बिल्कुल एक एक बात को नकारा जा रहा था, उसे ढकने के लिए दिल्ली सरकार को किसी चीज़ की ज़रूरत थी और ये ऑड इवन का मामला उस चीज़ को ढकने के लिए आया। वहीं विपक्ष का मानना है कि हालांकि इस पार्टी की शुरुआत जन लोकपाल के मुद्दे से हुई थी, लेकिन बिल पास करने से पहले ना तो इसे लेकर कोई चर्चा हुई और ना ही इस बात को लेकर जनता का मन टटोला गया कि ये बिल कितना असरदार होगा। जब कमजोर बिल पर विरोध की आवाज सुनाई देने लगी, तब सरकार ने एक नया ही हथकंडा अपना लिया। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने ऑड और इवन फार्मूला लॉन्च करके पूरे मुद्दे को ही भटका दिया है। अगर आप 2014 के जन लोकपाल बिल का साथ 2015 में जो एक्ट पास हुआ है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये 2015 वाले जन लोकपाल एक्ट बिल्कुल ही एक वीक डाइल्यूटेड एक टूथलेस बिल है। और इसमें एक सरकारी जन लोकपाल हैं। केजरीवाल जी ने बोला था कि 25,000 रुपये में उन्हें ऑनरेरियम में वो काम करेंगे, उन्होंने ट्वीट किया था 2012 में। और अब उनकी MLAs की सैलरी 2,60,000 रुपया पर महीने, लेकिन इस विषय पर भी कुछ भी चर्चा नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ऑड इवन वाली जो गाड़ी की इशू है, इसको लगता है कि सरकार दिल्ली सरकार जानबूझ के इसको एक इशू बनाया है ताकि ये दो जो मेन मेजर मुद्दे हैं जन लोकपाल की और सैलरी हाइक की, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, इसका ऊपर लोगों को ध्यान ना हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ऑड और इवन योजना पूरी प्लानिंग के साथ आती तो शायद ज्यादा कारगर साबित होती। लेकिन जानकार मानते हैं कि यहाँ सरकार की मंशा एक मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दे पर केंद्रित करने की थी, लिहाजा इस बार भी लोगों को पॉल्यूशन के मसले में उलझा कर केजरीवाल सरकार ने लोगों को गुमराह कर दिया है। शिल्पा पुंडीर, इंडिया 24/7, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार के इवन ऑड फॉर्मूले पर पूरे देश में बहस जारी है। वहीं इस पूरी गहमा गहमी के बीच एक अहम सवाल भी खड़ा है। क्या प्रदूषण पर लगाम लगाने का केवल यही एक तरीका बचा है? क्यों नहीं सरकारें ऐसे तरीकों को भी अपनाती हैं जो कारगर हों और बेहतर नतीजे भी दे सकें? आम आदमी के बाद अब अदालतें भी यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कैसे बदलेगी तस्वीर। जी हाँ, लगातार बढ़ता प्रदूषण बड़ी चिंता का सबब तो है ही, लेकिन वो दुनिया में देश की बदनामी की वजह भी बन रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत की तल्ख टिप्पणी साफ बता रही है कि हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं।
वहीं सरकारों का रवैया और फैसले भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर अदालत भी हैरान है और कहा अब जो सोचा जा रहा है वो इमरजेंसी के तहत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है। इस मामले में अल्प, मध्यम और लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की जरूरत है, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई भी फोरम इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव नहीं दे रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है वो उपाय। दिल्ली में इवन और ऑड नंबर की बजाय दूसरे अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते थे। इन उपायों में कार्बन टैरिफ, साप्ताहिक अवकाश का अलग अलग समय निर्धारित होना और वर्किंग टाइमिंग में परिवर्तन जैसे विकल्प शामिल हैं। लेकिन इससे पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। इस एक्सपेरिमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती, तब जाकर के एक्सपेरिमेंट को करते तो हमें अच्छा लगता कि हम बोलते कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, असफल हुआ। अभी क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए हम पूरा तैयारी नहीं है और एक प्रयोग कर रहे हैं उसको, तो वो भी एक किस्म से गलत है। दूसरे जितने भी तरीके हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाकी शहर में अभी भी उनको इस्तेमाल करते हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में खराब ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा अहम रोल है। खुद दिल्ली पुलिस ने भी माना है कि सड़कों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ियां जल्दी निकल नहीं पाती हैं और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। अगर इन जगहों को दुरुस्त किया जाए तो दिल्ली में खुद ब खुद प्रदूषण काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में हमारे पास 21% मास्टर प्लान में हमने एरिया ट्रांसपोर्ट लैंड यूज में दिया हुआ है। इसके बावजूद हमारे पास एरिया सफिशियंट है, रिसोर्सेज सफिशियंट है, लेकिन उनको हम मोबिलाइज एक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम चैनलाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये समझना चाहें कि दुनिया के दूसरे देश कैसे ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मोबिलिटी कार्ड होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स होते हैं कि अगर मैं जितनी देर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलूंगा उतना मुझे क्रेडिट मिलेगा, तो मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। हालांकि ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की एंट्री में 30% की गिरावट आ गई है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में जानकार पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक, सीएनजी और ई रिक्शा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और कार फ्री डे को बढ़ाने जैसे उपाय सुझा रहे हैं। साथ ही सड़कों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाने की वकालत कर रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं, खासकर डीजल टेम्पो हैं, इन सबको शहर में पुरानी गाड़ियां जो डीजल की उनको नहीं चलने देना चाहिए, जिससे प्रदूषण हो रहा है। इस चीज का एक व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। सीएनजी को बढ़ावा, सीएनजी चालित गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख चाहिए है कि अभी तक सीएनजी के उतने पेट्रोल पंप नहीं हैं, तो इसको भी हमें देखना होगा। और इसके अलावा ई रिक्शा को हमें बढ़ावा देना चाहिए और सरकार को इसमें एक नीति बनाना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा प्रदूषण मुक्त है और ये चलेंगे तो हमारा जो प्रदूषण कम होगा। अब लोग भी मानते हैं कि ऑड इवन गाड़ियों के अलावा दूसरे विकल्प ज्यादा कारगर हो सकते हैं। उनकी माने तो अगर वर्किंग टाइमिंग में तब्दीली और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी सबसे कारगर विकल्प हो सकते हैं। और ऑप्शन भी लेने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देना चाहिए और ये छोटी मोटी जो दिल्ली में इंडस्ट्री लगी है इन पर भी थोड़ा काबू करना। आउटर रिंग रोड्स हैं जैसे, उनके ऊपर पार्किंग बनाइए, गाड़ी वहाँ पार्क करें, उसके बाद मेट्रो कैच करें। इट कैन बी ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है। पहले ये ऑर्डर्स निकालने से पहले जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी दें, उसके बाद इस पर लागू करें तो ज़्यादा सही हो तो सकता है। काफ़ी सर्विस लाइक कलर कोडिंग एक ऑप्शन है, फिर व्हीकुलर शेयरिंग जो होता है वो अगर आ जाएगा, लाइक ऐप्स में होता है ना, यू कैन डिजाइन एन ऐप देन एंड देयर वो हो जाएगा। दिल्ली में पिछले 30 सालों में वाहनों की संख्या 1.8 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गई है। गाड़ियों के अलावा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट प्रदूषण का अहम कारण है। शहर में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण में 80% इन्हीं का हाथ है। ऐसे में सरकार को एक साथ कई उपायों का सहारा लेना होगा ताकि देश की राजधानी की आबो हवा बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कई अहम फैसले लिए हैं। एनजीटी ने दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है और साथ ही एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार से भी कहा है कि वो नई सरकारी डीजल गाड़ियां ना खरीदें। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल भी उठाए हैं।
दिल्ली की आबो हवा सांस लेने लायक बनी रहे, दिल्ली के आसमान में उड़ता जहरीला धुआं जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए, इसके लिए कई स्तरों पर कवायद चल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट से यही बातें पूछी गई हैं कि किस प्रकार से पॉलिसी पूरी इंप्लीमेंट होने की बात है, इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, इसके साथ साथ क्या और पॉलिसीज है, क्योंकि अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो किस प्रकार से लोग कम्यूट करेंगे, किस प्रकार से दिल्ली की जो जनता है वो अपना काम कर पाएगी, स्कूल जा पाएगी, काम के लिए जा पाएगी, सब्जी लेने जा पाएगी। अल्टीमेटली पूरी जनता को चलना है इन दिनों में जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए कोर्ट ने ये अपनी क्वेश्चंस रेज किए हैं कि क्या क्या पॉलिसी साथ में है। एनजीटी ने बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को दिल्ली एनसीआर में ढक कर लाने का भी आदेश दिया है। गाड़ियों के दमघोटू धुएं से बढ़ी दिक्कतों पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। इसी कड़ी में दिल्ली समेत देश के बड़े 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इन सब के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार गाड़ियों के ऑड इवन फॉर्मूले पर काम कर रही है। 1 जनवरी से इसे लागू किया जाना है, लेकिन एनजीटी ने दिल्ली सरकार के इस ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे फायदा होने के आसार कम है। ऑड इवन नंबर के चलते दिल्ली में दो गाड़ियां खरीदने का चलन बढ़ सकता है, प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। बहरहाल सवाल नीति से ज्यादा नियत का है। सभी की कोशिशें देश के दिल दिल्ली को लोगों के रहने के लिए और बेहतर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो जहां ऑड इवन गाड़ियों को लेकर, खासतौर पर कारों को लेकर लफड़ा है, बहस चल रही है, वहां आपको हम बताएं कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर निशाने पर कारें हैं, लेकिन प्रदूषण पर आई ताजा स्टडी कुछ और ही कहानी कहती है। कानपुर IIT के एक हालिया स्टडी में पता चला है कि कारें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है ही नहीं, बल्कि उसकी बड़ी वजह है धूल है, ट्रक और दुपहिया वाहन है। स्टडी के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में धूल का 35% योगदान है, गाड़ियों का 25-36%, डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल का 22%, पावर प्लांट और फैक्ट्रियों का 22% रोल है। और वहीं अगर गाड़ियों की ही बात करें तो गाड़ियों के प्रदूषण की बात करें तो ट्रक 24-25% प्रदूषण फैलाता है, दुपहिया वाहन 18% और पैसेंजर कार 14-15% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो कारों का जो योगदान है प्रदूषण बढ़ाने में वो औरों के मुकाबले कम ही है। यूं तो लगभग हर सरकारी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे भ्रष्ट विभाग कौन सा है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक कौन सा विभाग लूट खसूट का अड्डा बन चुका है, आपको दिखाएंगे हम इस रिपोर्ट में। देश का सबसे भ्रष्ट विभाग, भ्रष्टाचार का अड्डा RTO। RTO में डकैत बैठे हैं। जी हाँ, ये आरोप हम नहीं बल्कि खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लगाए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी RTO दफ्तरों में पसरे भ्रष्टाचार पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। गडकरी ने RTO को देश में सबसे भ्रष्ट इकाई करार दिया और आरोप लगाया है कि RTO में बैठे लोग चंबल के डकैतों से भी ज्यादा लूटते हैं। यही नहीं, नए मोटर कानून के क्रियान्वयन में देरी से नाराज गडकरी ने कहा कि भूतल परिवहन और सुरक्षा विधेयक लागू होने पर पूरा क्षेत्र सुधर जाएगा, लेकिन इसका कुछ लोग जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि गडकरी के इस बयान के बाद जहां विपक्षी दल इसे विभाग की छवि को धूमिल करने और सरकारी अधिकारियों की निष्ठा पर आघात करने जैसा बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले गडकरी ने सीधे सीधे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए ये दावा किया है कि भारत में 30% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। गडकरी ने यह भी दावा किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से लाइसेंस भारत में ही बनते हैं। केंद्रीय मंत्री के ये दावे जितना ही जनमानस को आधारपूर्ण लग रहे हैं, RTO के कर्मचारी इसके खिलाफ दिखाई देते हैं। किसी को भी बिल्कुल जनरल कमेंट आप नहीं कर सकते, ना तो गडकरी जी सबको भ्रष्ट बता सकते हैं और ना ARTO के लेवल पर मैं ये कह सकती हूँ कि डिपार्टमेंट पूरी तरीके से ऑनेस्ट है।
तो ये तो एक तरीके से इस पर बहुत ज़्यादा उसकी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये मानना है, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लें, तो नेताओं के पास संविधान की इतनी बड़ी शक्ति होती है, वो कैबिनेट में इस तरीके के वो ला सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कहीं कोई कमी है, कुछ इस तरीके के तंत्र में, प्रबंधन में कोई कमी है, खामियां हैं, तो ये तो उनके स्तर से ही दूर हो सकती हैं। आरटीओ में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर गडकरी के ये बोल भले ही आरटीओ अधिकारियों के गले से नहीं उतर रहे, लेकिन झांसी और मुरादाबाद जैसे कई शहरों के लोग उनके दावों को सही ठहरा रहे हैं। कि आरटीओ विभाग एक धन उगाही का बड़ा केंद्र बन चुका है। कभी ये सेवा का कार्य किया करता था जिसमें लाइसेंस दिए जाते थे, सब किया जाता था। अब तो सीधा सा कार्य ये हो गया कि एक बार यदि आप आरटीओ विभाग में घुस गए तो आप पूरे के पूरे लुट ही जाओगे। अधिकारी भी निकलते हैं, वो भी देख रहे हैं कि आरटीओ यहाँ वसूली कर रहा है ट्रक वालों से, बस वालों से, किसी को भी कहीं भी रोक लेना, किसी के साथ भी कागज़ दिखाओ गाड़ी के, और उसके बाद मामला रफा दफा करो, पैसा दो, आगे निकल जाओ। वो लोग जो है गन के बल पे लूटते हैं, और ये जो है अपने कलम के बल पे लूटते हैं, लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। आईटी ऑफिस को तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, और बिना पैसे लिए कोई लेसन नहीं बनाते। जो बाहर से चोरी के बहान आते हैं उनकी नंबर प्लेटें यहाँ पर बदलवाने के, वो यहाँ सारा काम होता है, यहाँ पे उसके फर्जी लाइसेंस बना देते हैं। ये तो डकैतों का अड्डा है बहुत बड़ा। आरटीओ ऑफिस की मिलीभगत से तो सारे फर्जीवाड़े होते हैं। अभी कल ही रात यहाँ पर नागफनी पुलिस ने पकड़े हैं 11 बाइक, और उसमें भी बिना नंबर प्लेट की सारी बाइक थी, तो उसमें भी आरटीओ का पूरा सहयोग है। हालांकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह दावा किया है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नए लाइसेंस बनाने और आरटीओ के विभिन्न कामों में पारदर्शिता लाने के लिए वो प्रतिबद्ध है, और विश्वास भी जताया है कि भूतल परिवहन और सुरक्षा विधेयक लागू होने पर पूरा क्षेत्र सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आरटीओ को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने वाला ये विधेयक आखिर कब कानून की शक्ल लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।